नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ गया अरवल जहानाबाद स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार कुमार नगेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी को 528 वोटों से हराकर शानदार जीत हासिल की है। तो वहीं समाजसेवी नगीना पासवान ने रिंकू यादव को जीत को बधाई देते हुए मीडिया से कहा कि रिंकू यादव समाज के हरेक समुदाय के लोगों के लिए एक नए नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और अपना शानदार जीत हासिल की है। और ये जीत रिंकू यादव को नहीं है, ये तो जीत गया अरवल जहानाबाद के संपूर्ण जनता का जीत है। इसलिए मुझे संपूर्ण विश्वास है कि रिंकू यादव संपूर्ण जनता के लिए हर संभव तैयार रहने वाले नेता में से एक है। का परिणाम सामने आया है तो इस मौके पर आप क्या करना चाहिएगा? हम गया एमएलसी क्षेत्र से रिंकू यादव का जीत जो है, इस पर हम समझते हैं कि जनवादी विचारधारा का जीत है और रिंकू यादव जो हैं तो समाज सेवी व्यक्ति हैं। इन्होंने समाज को सेवा करेंगे, क्षेत्र के विकास में समर्पित रहेंगे जरूर, और इस पर हम इस जीत पर हम खुशी जताते हैं और उनका बधाई देते हैं। और इस गया क्षेत्र का जो जनता के लिए आप उनसे क्या मांग करते हैं? हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि एमएलसी के जो रिंकू यादव चुनाव जीते हैं, ये जनता को जरूर भरोसा देते हैं कि इनका जीत जो है सो आपका जीत है और आपका विकास के काम करेंगे, क्षेत्र का विकास होगा और विकास के लिए रिंकू यादव जरूर समर्पित रहेंगे। ऐसा देखा जाता है कि जो एमएलसी चुनाव निकालते हैं या कोई भी किसी भी परिस्थिति में चुनाव को कोई भी निकाल के जाता है प्रत्याशी, वो दलितों के लिए खड़ा नहीं उतर पाता है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम कहना चाहते हैं कि रिंकू यादव जो हैं सो ऐसा व्यक्ति नहीं है। रिंकू यादव एक समाज सेवी हैं, समाज के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं और समाज को काम करते हैं और विकास के लिए हमेशा इन्होंने संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए रिंकू यादव ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जीत करके जाके अपना प्लेट में बैठ जाएंगे। इन्होंने जरूर काम करेंगे जनता के लिए और हम आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि रिंकू यादव समाज के लिए और विकास के लिए खरा उतरेंगे। अपना परिचय? नगीना पासवान, गुरुवार।